हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशालीस क्रस्ट क्रीम। आहेत लोकल आई वाले। हाँ, और थोड़े से लोग ज्वाइन होने दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तब तक वीडियो को थोड़ा सा शेयर करो ताकि और बाकी सारे लोग भी इसका फायदा उठा सके। बोलो। हाय आरती। हेलो मिताली। थैंक यू सो मच मिताली। प्रिया, फोन नाही सापडला आहे। फोनचा थोडा इश्यू आहे, फोन नाही सापडला। आता तो सापडेल असं नाही वाटत आहे। सो लेट्स कंटिन्यू विथ द अनदर फोन, आणि तोपर्यंत माझ्या दुसऱ्या फोनवरती तुम्ही जे पण काही तुमचे क्वेरीज किंवा इन्क्वायरीज असतील ते मी जो दुसरा नंबर शेअर केला आहे त्याच्यावरती तोपर्यंत तुम्ही क्वेरीज पाठवा। हॅलो गौरी, हाय ममता, हाय पर्ल, हाय तरुणा, हॅलो कविता, हाय प्रिया, थँक्यू सो मच, हॅलो भाविका जी, हाय शीतल, हाय तेजस्विनी। आरती, वीडियो ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, मे बी इंटरनेट कनेक्शन आज हमारा स्टेबल नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में अगर वीडियो ब्लर दिखे तो प्लीज कॉपरेट, थोड़ा सा आपको वैसे ही देखना पड़ेगा। आई एम गुड कंगना, हाउ आर यू? वीडियो इज ब्लर, यस। थोड़ा नेटवर्क आज हमारा स्टेबल नहीं है इसीलिए। थैंक्स शिवानी, यू आर ऑलवेज वेलकम। प्लीज जो लोग अभी ज्वाइन हुए उनके लिए, मेरा व्हाट्सएप फोन जो है वो लॉस्ट हो गया है, तो इसीलिए मैंने दूसरा नंबर जो आप लोगों के साथ शेयर किया है दैट इज 8169174929। ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। जिन्हें भी कल के सेशन के लिए इंक्वायरीज करनी है या फिर 2 दिन में जो आने वाले सेशन है उनके लिए इंक्वायरी करनी है, बिकॉज टुमारो इज केक बेकिंग डेकोरेशन वर्कशॉप, वो कल है, उसके बारे में अगर आपको इंक्वायरी करनी है या फिर सीट बुकिंग करनी है तो आप मुझे वो दूसरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। संडे को आइसिंग टेक्निक वर्कशॉप है, जिसे भी ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है वो भी मेरे सेम वही नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर मुझे कॉल कीजिए। मेरा पुराना व्हाट्सएप नंबर टेम्पररीली डिसकंटिन्यू है बिकॉज मेरा फोन खो गया है, सो आप लोग दूसरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, हम लोग वही नंबर वापस शुरू करने वाले हैं, जस्ट 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में आपका मेरा पुराना नंबर वापस शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए मेरे दूसरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू प्रिया, थैंक्स कंगना। नाउ विल स्टार्ट द टुडे सेशन। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। होली आ रही है तो सबसे पहले सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो आज हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और बहुत सारे कलर्स यूज करके आज का केक डेकोरेट करने वाले। सो आज का हमारा केक जो है बहुत ही कलरफुल होगा। ओके, सो उससे पहले हम आज बना रहे हैं फ्लेवर ठंडाई, बिकॉज होली है तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में पहले सबसे चीज आती है दैट इज ठंडाई। सो आज हम ठंडाई फ्लेवर बना रहे हैं। सो दिस इज माई वेनिला स्पॉन्ज, जिसमें मैंने
अगर आपके पास हो तो ठंडाई का इसेंस ऐड करो, या फिर ठंडाई पाउडर जिसको बनानी आती है वो बना सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे ठंडाई पाउडर कैसे करनी है उसके रेसिपीज अवेलेबल है, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो इन योर स्पॉन्ज। अगर नहीं है तो सिर्फ वेनिला स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हो, ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है, आप कुछ भी यूज करो, आइदर इसेंस यूज करो या फिर ठंडाई पाउडर यूज करो। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाफ केजी का केक है जिसको हम अभी कंप्लीट करके ये हमारा 1 केजी केक बनेगा। ओके, सो अभी हम पहले इसके लेयर्स कट करते हैं, एंड ठंडाई फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे ये केसर ठंडाई इसेंस ये यूज कर रही हूँ। ओके, दिस इज केसर ठंडाई क्रश, सो हम ये यूज कर रहे हैं, ये होममेड का केसर ठंडाई है, ये हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज आई एम गोइंग टू यूज इन फ्लेवरिंग, सो इससे हमारा ठंडाई का फ्लेवर बनेगा, और फिर हम उसके ऊपर बहुत सारे कलरफुल डेकोरेशंस करने वाले हैं। सो राइट नाउ हम पहले ये टॉप को क्लीन करते हैं। मेरा दूसरा नंबर है 8169174929, ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, जिसे भी ये आने वाले 2 दिनों के वर्कशॉप्स अटेंड करने हैं या भी कोई इमरजेंसी है बेकिंग में, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट करो। थैंक प्रिया इज सेइंग थैंक यू फॉर टीचिंग दिस। वेलकम प्रिया, यू आर ऑलवेज वेलकम। संजीता, हाय मैम, वॉचिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओह रियली नाइस, थैंक यू, होप यू ऑल लाइक माई टूडे सेशन ऑल्सो। सो जैसे हम ऑलवेज इसके 3 लेयर्स कट करते हैं, तो उसी तरह से हम आज भी इसके 3 लेयर्स कट कर रहे हैं। आप देख सकते हो मेरा ये हाथ यहाँ पे मैंने रखा है और इसको घुमा रही हूँ ताकि हमारा केक अच्छे से एक सेम लेवल पे कट हो जाए। कशिश सेन, गुड इवनिंग मैम। कंगना, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओ वाव। प्रिया कोठारी इज आस्किंग द बेस इज मेड विद प्रीमिक्स और स्क्रैच। स्क्रैच ये हम जो क्लासेस में सिखाते हैं वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी। ओके, सो हमने इस तरह से ये 3 लेयर्स हमारे कट किए हैं। अर्जुन एक प्लेट दे मिला। निमी सेन, हाय। हेलो हाय निमी, मैम फ्रॉम वाराणसी। थैंक यू, इतने दूर दूर से लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वैल्यूबल टाइम। अभी हम इसे पहले, जैसे अगर आप बिगनर्स हैं तो लेयरिंग आप बोर्ड पे ही स्टार्ट करो, तो मैं उसी तरह से दिखाती हूँ जैसे कोई एक बिगनर स्टार्ट करेगा। तो आपको पहले ये बोर्ड लेना है और उसके ऊपर सेंटर में हमें ये, नाउ दिस इज माय केक बोर्ड, जिसमें मैं सेंटर में पहले क्रीम लगाती हूँ। दिस ऑल लाइव सेशंस आर फॉर दी बिगनर्स, जो अभी नए यहाँ पे बेकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी बेकिंग करते हैं उनके लिए भी कुछ नए आइसिंग टेक्निक्स या फिर कुछ और डेकोरेशंस, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, इसीलिए ये सारे लाइव सेशंस है। सो जैसे अगर आप बिगनर्स हो तो आप ऑलवेज ये सारे स्टेप बाय स्टेप जो बताती हूँ वैसे फॉलो करो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, नाउ बोर्ड लेने के बाद आपको इसे सोकिंग करना है। दिस इज नॉर्मल शुगर सिरप है ये, मैं ओनली वाटर से नहीं सोकिंग करती,
जितना हमारा अगर 200 ml वाटर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें 2-3 चम्मच शुगर डाल के मैं एकदम लाइट सिरप बनाती हूँ शुगर का, और उसे यूज करती हूँ, इसलिए कि मुझे अंदर से भी एक प्रॉपर टेस्ट लगनी चाहिए। अदरवाइज जो अगर आप लोग सिर्फ पानी यूज करोगे तो उसका अंदर से एक पानी का टेस्ट आता है, और केक में मिठास भी कम हो जाती है, बिकॉज हमारे जो स्पॉन्जेस है वो इतने स्वीट नहीं है, इतने मीठे नहीं है कि आपको शुगर सिरप करने के बाद और एकदम मीठा टेस्ट आए। इट्स अ बैलेंस टेस्ट। तो ये केक का स्पॉन्ज का टेस्ट, देन हमारा शुगर सिरप का टेस्ट, केक में जो क्रीम यूज होगा उसका टेस्ट, ये सब कुछ मिला के एक प्रॉपर बैलेंस स्वीटनेस आता है हमारे स्पॉन्ज में। तो इसीलिए हम ये लाइट शुगर सिरप यूज कर रहे हैं। Lily Singh making nice cake after attending your class. ओ वाह, कांग्रेचुलेशन निमी। प्रेमिक विशाखा इज आस्किंग प्रेमिक्स कौन से कंपनी का यूज करना चाहिए? आई विल नॉट रिकमेंड एनी ब्रांड, बट प्रेमिक्स आर बहुत सारे प्रेमिक्स अवेलेबल है मार्केट में, ऑल आर गुड, जस्ट उसमें सारे केमिकल्स एडेड होते हैं तो आपका स्पॉन्ज कभी उसमें फ्लॉप नहीं होता है, या फिर फेल होने का चांसेस बहुत कम होता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रीमिक्स है, बेकर्स विले का प्रीमिक्स अवेलेबल है, देन प्रिस्टीन है, और भी क्रम्ब एंड कोट का है, बहुत सारे प्रीमिक्स, पिल्सबरी का प्रीमिक्स अवेलेबल है। मंदाकिनी आस्किंग, डू यू यूज कंडेंस मिल्क फॉर द स्पॉन्ज केक? हम दो रेसिपी डिफरेंट सिखाते हैं विद टू डिफरेंट मेथड्स, जो डिफरेंट डिफरेंट ये यूज करके होता है, उसमें से एक कंडेंस मिल्क यूज होता है। सलोनी सिंह, हाय मैम। हाय सलोनी। नाउ हम थोड़ा सा जो हमारा ये जो ठंडाई का क्रश है वो मैं थोड़ा सा क्रीम में भी मिक्स कर रही हूँ, और जो मेरा लेयरिंग का क्रीम है उसमें मिक्स कर रही हूँ। सो मैं ये पूरे क्रश क्रीम में मिक्स नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे क्रीम लिया है उसमें थोड़ा सा क्रश मिक्स कर रही हूँ, और फिर मैं केक में भी लगाने वाली हूँ। ठीक, सो दिस इज केसर ठंडाई क्रश जो मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा क्रीम में। इस तरह से करने से आपका क्रीम में भी एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने क्रीम में भी थोड़ा सा मिक्स किया है। और पहले हम ये क्रीम अप्लाई करते हैं। कंगना इज सेइंग योर केक डेकोरेटिंग पार्ट इज आउटस्टैंडिंग। थैंक यू कंगना। ओके, नाउ जैसे मैं ऑलवेज दिखाती हूँ आपको, इस तरह से पैलेट होल्ड करनी है, आपका फर्स्ट फिंगर यहाँ पे है और मेरा ये प्रेशर जा रहा है, और हल्के हल्के हाथ से आपको मूवमेंट करते हुए ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद मैंने पैलेट को क्लीन किया, सेंटर में रखा और जस्ट घुमा दिया। ओके, नाउ इसके बाद मैं इसके ऊपर और 1 चम्मच क्रश ऐड कर रही हूँ। सबके घर में अभी होली की तैयारियां शुरू हो चुकी होगी, और आप सबको पता है कि होली में ठंडाई तो बनती है, तो जो लोग डायरेक्टली ठंडाई नहीं पीते वो लोग एटलीस्ट ऐसे केक तो बना के खा सकते हैं। आरती इज आस्किंग कैन वी यूज ठंडाई एसेंस इन स्पॉन्ज? या यू कैन यूज ठंडाई एसेंस यूज करो अगर आपके पास है तो, वो आप क्रीम में भी ऐड अप कर सकते हो जस्ट फॉर दी एक्स्ट्रा एसेंस से आपका एक्स्ट्रा फ्लेवर बढ़ेगा। नाउ ये दोनों तरीके से मैं इसे भी सोकिंग कर रही हूं। वैष्णवी आस्किंग विच केक यू आर मेकिंग? हम बना रहे हैं होली स्पेशल ठंडाई, ठंडाई फ्लेवर है, और फिर उसके ऊपर हम कलरफुल डेकोरेशन करेंगे।
सिंह हाय मैम। पिंकी हेलो प्रियंका, सिंह हेलो मैम। हेलो एवरीवन। पिंकी आस्किंग बिटर कौन सा अच्छा होता है। बिटर की कैपेसिटी मिनिमम आपकी 300 वाट की होनी चाहिए, जिसे भी आप यूज करते हो फॉर द व्हिपिंग ऑफ क्रीम। अगर कैपेसिटी कम है, ब्रांड इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए मैक्सिमम आपका मिनिमम आपका 300 वाट होना चाहिए। ऑल बिटर आर गुड, फिलिप्स है, क्रोमा है, जयपान है, सभी अच्छे हैं। वंदना सिंह हेलो मैम। हेलो वंदना, अभी हम वापस एक बार सेम उसी तरह से लेयरिंग कर रहे। सेम मैंने क्रीम लगाया, ठंडाई जो फ्लेवर हमने इसमें मिक्स किया है। ओके चित्रा मैम प्लीज शो वाइट फॉरेस्ट केक आल्सो। आई ऑलरेडी शोन व्हाइट फॉरेस्ट केक, मेरे पेज पे वीडियो है, आप देखो, चेक करो, व्हाइट फॉरेस्ट केक मैंने दिखाया है। हेलो मैम। हेलो एवरीवन, निशा हाय। अभी हम वापस इसे ठंडाई फ्लेवर से वापस एक बार ऐड कर रहे हैं, ठंडाई फ्लेवर। एंड नेक्स्ट क्रीम जो मुझे लगने वाला है, उसमें भी मैं थोड़ा सा और ठंडाई का एसेंस ऐड कर रही हूँ। ठंडाई क्रश, नॉट द एसेंस, हम क्रश यूज कर रहे जोश्मी सिंह हाय मैम। हेलो, खुशबू आती मैम क्रश नहीं होगा तो कैसे बनेगा केक। क्रश नहीं है तो आपके पास अगर ठंडाई पाउडर है तो उसे यूज करो। सिंह हेलो मैम। हेलो जिगिशा, कुसुम इज आस्किंग 500 ग्राम में केक पाउडर शूटिंग करते हैं। 500 ग्राम में आपका 200 ml वाटर जाता है आराम से। डिपेंड्स ऑन वेदर, वेदर के अकॉर्डिंगली सोकिंग करो। अगर ड्राई वेदर है तो आपका ज़्यादा वाटर सोक होगा शुगर सिरप, और कम वेदर है तो कम होगा, और सॉरी वेट है मतलब, जैसे अभी रेनी सीजन है तो कम सोकिंग होगा। जोश्मिनी नाइक हेलो। नेहा सिंह हाय मैम। हेलो नेहा, वैष्णवी इज आस्किंग 1 kg केक। इट्स 1 kg केक। या अभी मैंने ये सारा साइड्स में लगा के इसको कोट कर लिया है। और अभी हम टॉप को भी कवर कर रहे हैं। नाउ दिस इज आवर क्रम कोटिंग ऑफ केक। एज यू ऑलवेज नो कि हम इस तरह से क्रम कोटिंग करके केक को रखते हैं आधा घंटा फ्रीज में सेट होने के लिए। ओके नाउ, जैसे लाइव में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, सो हम इस पे तुरंत स्टार्ट करते हैं।
यस, बिकॉज आपका बहुत ही क्रम निकल के मिक्स होता है केक में और फिर वो दिखता है। वो अगर आपको नहीं होना है या आपको जितना भी अच्छे से क्लियर फिनिशिंग होगी तो फिर अच्छा दिखेगा केक। इसीलिए अगर क्रम मिक्स नहीं होना चाहते तो क्रम कोटिंग कर लो, दैट इज बेटर। अदरवाइज यू शुड हैव दैट एक्सपर्टीज कि आपका थोड़ा भी क्रम क्रीम में नहीं मिक्स हो रहा है। अगर इतना एक्सपर्टीज है देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द फाइनल कोटिंग। ओके, अभी हम हमारा इसका डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा टेबल क्लीन कर लेती हूँ मैं। अब हम केक को पहले व्हाइट क्रीम से कवर करेंगे और उसके बाद व्हाइट क्रीम से कवर होने के बाद उसके ऊपर कलरफुल सारे डेकोरेशंस करेंगे। ओके, सो उसके लिए जो मैं नोजल यूज कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, बट उससे पहले हम केक को व्हाइट क्रीम से कवर कर रहे हैं। I'm good. How are you, Dilshad? Maheshwari also saying hi. Hello, Maheshwari. Chetna is asking, hi ma'am. Whipping cream मध्ये icing sugar add करायची का? नाही, काही गरज नाही आहे. Whipping cream मध्ये already sweetness असतो, तर त्याच्यामध्ये icing sugar घालायची काहीच गरज नाही आहे. See, whipping cream is already sweet होता है, तो इसमें और icing sugar add डाल के और स्वीटनेस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आजकल वैसे भी लोग लेस स्वीट खाना पसंद करते हैं, तो उसमें आइसिंग शुगर मत डालो। राजवी आस्किंग व्हिच कंपनी वांट्स द बॉटल ऑफ ठंडाई केक। इट्स अ होममेड, होममेड का है। होममेड का बॉटल है, मैं दिखाती हूँ। इट्स अ होममेड ब्रांड, दिख रहा है? अब हम इसे पहले व्हाइट क्रीम से कोट कर रहे हैं।
ग्लेज के। ओके अभी हम इसे साइड से भी कोटिंग कर रहे हैं। आई एम यूजिंग दिस स्टील स्क्रेपर जिसे आपको सीधा पकड़ के साइड स्मूथनिंग करना है। या एनी ब्रांड यू कैन यूज, आपके पास जो भी अवेलेबल है उसे यूज कर लो। बटर क्रीम जनरली कपकेक पे ऊपर यूज होता है बिकॉज वो इतना हेवी और स्वीट होता है कि जनरली इतना फुल केक वो फ्लेवर का अगर आप बनाते हो तो कोई उतना पसंद नहीं करता है खाने के लिए। तो इसीलिए हम कपकेक के ऊपर जैसे छोटा छोटा पोर्शन होता है तो उसके ऊपर आप बना के खा सकते हो। इन केस अगर आपको अच्छा लगता है तो पूरा केक भी बनाओ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जनरली नहीं अच्छा लगता सबको, इसीलिए लोग नहीं बनाते पूरा केक बटर क्रीम का। मीनाक्षी, हैव यू एडेड थंडाई इफेक्ट इन केक बैटर? नहीं, मैंने नहीं ऐड किया है, बट आपको अगर एक्स्ट्रा ये चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। मंदाकिनी इज आस्किंग कितने इंच का केक है? 6 इंच। अभी ये क्रीम लगाने के बाद मैं इसके ऊपर कलरफुल डेकोरेशन करने वाली हूँ। सो कलरफुल डेकोरेशन के लिए 2-3 डिफरेंट कलर्स पहले मुझे रेडी करने हैं, तो उसके लिए ये मैंने 4 बेसिक कलर लिए हैं। रेड है तो मैं पिंक बना रही हूँ, येलो, ब्लू एंड पर्पल, और एक शायद ग्रीन बना सकते हैं हम। सो थोड़ा सा जितना कलरफुल हो सके उतना करो बिकॉज होली है। क्रम कोटिंग में मैंने किया है, थोड़ा सा क्रीम में भी मिक्स किया और ऊपर से भी लगाया। आप एक बार वापस वीडियो देखो ये लाइव खत्म होने के बाद, ताकि आपको आइडिया आ जाएगी। नाउ आई एम यूजिंग दिस कलर्स, बेकर्स विले के ये कलर्स है, ये सारे डिफरेंट शेड्स यूज कर रही हूँ मैं, येलो, ब्लू, पर्पल, रेड, ये सारे शेड्स है। कैन वी यूज हल्दीराम और गुरुजी थंडाई? यस, थंडाई कोई भी यूज करो, आपके पास जो भी अवेलेबल है थंडाई वो यूज करो। Happy Holi to all of you.
अभी मैंने सारे बाउल में थोड़ा थोड़ा कलर बनाया है, जहाँ पे ब्लू कलर है, येलो ब्लू, देन पर्पल और रेड। रश्मि सिंह, हाय मैम। हेलो रश्मि। गीता, हेलो मैम। रश्मि, हैप्पी होली टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक रिया, नाइस टीचिंग मेथड। यू। शीतल इज आस्किंग व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस केक। प्राइस विल बी एटलीस्ट 600 रुपीज, हाफ के जी, बिकॉज मंजू, दीज आर ऑल कस्टमाइज केक्स। फिर आप अच्छे अच्छे फ्लेवर उसमें ऐड कर सकते हो। अभी ये होली के थीम के अकॉर्डिंगली आप उसमें डेकोरेशन करोगे। सो ऐसे ये सारे कस्टमाइज केक्स की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली नॉर्मल केक्स। मनीषा, विश यू हैप्पी होली मैम। थैंक यू फ्रेंड्स। प्रियंका आस्किंग विच किसेन यू यूज्ड इन स्पॉन्ज। आई एम नॉट यूज एनी एसेंस। मैंने जस्ट वेनिला स्पॉन लिया है अभी, बट इन केस आपके पास ठंडाई एसेंस हो तो आप यूज कर सकते हो। मैं ज्यादा एसेंस नहीं यूज करती। इंस्टेड ऑफ दैट जितना आपका केमिकल फ्री या फिर ज्यादा एसेंस ना यूज करो उतना अच्छा बनता है। तो जितना नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो उतना करो। रितिका, हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली रितिका। नेक्स्ट वीक मेरा डिजाइनर एडवांस केक क्लास लाइव लाइव मतलब ऑनलाइन आ रहा है। तो जिसे भी ऑनलाइन क्लास बुक करना है वो अभी प्री बुकिंग की ऑफर चल रही है, दैट इज 1500 रुपीज़। सो आपको अगर अभी उससे प्री बुकिंग करना है देन यू कैन प्री बुक बाय पेइंग 500 रुपीज़ एडवांस। फिर उसके बाद लॉन्च डेट है 4 अप्रैल, उसके बाद उसकी प्राइस होगी 2000 रुपीज़। बहुत लोगों ने ये इंक्वायरी की थी कि ऑनलाइन डिज़ाइनर केक्स की क्या प्राइस है। सो अभी प्री बुकिंग चल रहा है, डिस्काउंटेड ऑफर, इट्स अ 1500। उसके बाद आपको ये 2000 में अवेलेबल है। थैंक्स मैम। गीता, योर टीचिंग गुड मैम। थैंक्स एवरीवन। अभी हम ये सारे कलर्स को यूज करके साइड में थोड़ा सा कलरिंग इफेक्ट ला रहे हैं, शेडेड इफेक्ट ला रहे हैं। ओके सो मैं ये पैलेट लेके थोड़ा थोड़ा कलर लगा रही हूँ। प्रियंका मैम, प्लीज टेल मी व्हाट इज द कसाटा केक, व्हिच फ्लेवर डू यू यूज। कसाटा केक। कसाटा केक में आपको दो तीन लेयर्स, आई ट्राई टू शो बिकॉज इतना वो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे एक्सप्लेन करना। मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगी लाइव में। पूजा, इट विल बी फ्रॉम बेसिक ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास जो अभी डिजाइनर केक्स क्लास है दैट इज नॉट फ्रॉम बेसिक। बेसिक के लिए मेरा दूसरा क्लास अवेलेबल है जो आप पहले कर सकते हो, बिकॉज इट विल बी पार्ट 1 पार्ट 2। तो अभी जो एडवांस लेवल का क्लास है दैट इज फॉर दी ऑलरेडी जो लोग बेकिंग कर रहे हैं उनके लिए है। प्रदीप विचारत, आपके जी केक साठी व्हिपिंग क्रीम किती घ्यावी लागेल? 200 ग्रॅम की 250 ग्रॅम? 200 ml बास होतं, पण डिपेंड्स ऑन तुमचं काय डेकोरेशन आहे त्या ह्याने चेंजेस होतात।
सो टोटली डिपेंड्स ऑन डेकोरेशन की तुमचं डेकोरेशन कसं असेल काय असेल. अभी हम मैंने इसमें साइड में लगा दिया है और इसे थोड़ा सा स्मजिंग कर रही हूँ ताकि ये हमारा कलरफुल इफेक्ट आ रहा है साइड में. और मेरे सारे पेस्टल शेड्स है तो इसीलिए साइड्स भी बहुत ही पेस्टल सारे, तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में कलर डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ ताकि एक शेडेड इफेक्ट और आ जाए. लाइक अगर मेरे पास ब्लू का एक ड्रॉप लिया मैंने तो उसे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा रही हूँ एंड येलो या फिर रेड. जनी ऑलरेडी आता क्लास नसेल केला त्यांच्यासाठी आहे तो, कारण की आता जे मी सगळे केक शिकवते नवीन ट्रेंडी ते सगळे आहेत त्याच्यामध्ये. तुम्ही मला व्हॉट्सअप करा, मी तुम्हाला सगळे डिटेल्स देईन. व्हॉट्सअप करा मला, मी सगळे डिटेल्स देते. ओके रिया मैम, लेट अस नो व्हेन यू डू बेसिक कोर्स. बेसिक कोर्स कल है ना, 27 को है बेसिक बेकिंग एंड डेकोरेशन वर्कशॉप. ऑनलाइन बेसिक ऑनलाइन तो अवेलेबल है ऑलरेडी, ऑनलाइन यू कैन जॉइन एनी टाइम, ऑनलाइन ऑल क्लासेस आर अवेलेबल, आप उसे कभी भी ज्वाइन कर सकते हो. ओके आप देख रहे हो अभी इतना ब्यूटीफुल शेडेड इफेक्ट आ गया हमारा साइड्स में. अभी हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे. हमेशा आपके पैलेट को क्लीन रखो, पैलेट ड्राई होती है तो आपका क्रीम खराब हो जाता है. नाउ इसके बाद हम इसके ऊपर डिफरेंट कलर से रोजेट्स करेंगे. और उससे पहले मैं ड्रिपिंग कर रही हूँ इसमें, सो आई एम यूजिंग वाइट ड्रिपिंग बिकॉज ये थोड़ा सा शेडेड इफेक्ट है साइड्स में, इसके लिए मैं वाइट ड्रिपिंग यूज कर रही हूँ. कोमल डिजाइनर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है. यस प्री बुकिंग चल रहा है, आप प्री बुकिंग कर सकते हो. अभी उसकी ऑफर चल रही है बिकॉज प्री बुकिंग में, तो आप वो कर सकते हो. नाउ आफ्टर दिस कलरफुल इफेक्ट हम इसे ऊपर से पहले ड्रिपिंग करेंगे. सो ड्रिपिंग के लिए मैं पहले बोर्ड को क्लीन कर रही हूँ. अब ड्रिपिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेनीला ग्लेज. ओके दिस इज माय वेनीला ग्लेज. ये क्या है, दिस इज न्यूट्रल जेल विथ वाइट कलर. हम ये यूज करें जस्ट थोड़ा थोड़ा ड्रिपिंग के लिए. साधना लाइव व्हिडिओ चेक करा, तुम्हाला सगळे केक बघायला मिळतील. आताच
आय थिंक 2 दिवसापूर्वी मी लाईव्ह केलं होतं, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवलेत मी की कुठले केक मी दाखवणार आहे किंवा कुठले केक मी शिकवले आहेत ह्या डिझायनर केक्समध्ये. सो ते लाईव्ह चेक करा, तुम्हाला सगळे केक्स बघायला मिळतील. मी एक्सप्लेन पण केलं आहे कुठले कुठले केक आहेत ते. सो तुम्ही बघा ते, म्हणजे तुम्हाला कळेल की काय काय शिकवणार आहे मी त्याच्यामध्ये. कोमल, मैंने व्हाट्सएप किया था पर डिटेल्स नहीं मिली. यस, बिकॉज ऑफ माय फोन, मेरा फोन प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने जो लोग अभी ज्वाइन किया है जो लोगों ने, उनके लिए मैं एक बार वापस बताती हूँ कि मेरा व्हाट्सएप जो फोन है वो लॉस्ट हो गया है, इसीलिए मैं व्हाट्सएप पे सबसे कनेक्टेड नहीं रह पा रही हूँ गए 2 दिन से. ओके, सो जिसे भी मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप करो, दैट इज 8169174929, इस पे मुझे व्हाट्सएप करो. ओके, मेरा वो नंबर तो जल्द ही शुरू हो जाएगा, बट फिलहाल अभी वो नहीं है चालू, तब तक आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप करो. ओके, सो नाउ आई एम यूजिंग दिस वनीला ग्लेज, जिसके लिए मैं पाइपिंग बैग ले रही हूँ, और आपको आर्टिफिशियल ड्रिपिंग कैसे करना है वो दिखाती हूँ. सो पहले हम ये चेक करेंगे. अभी ये थोड़ा सा थिक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ये कंसिस्टेंसी अच्छी कर लेती हूँ. ओके, सो अगर ये ड्रिप नहीं हो रहा है इजीली, तो आपका ये इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा. तो इसमें अभी दूसरे एक बाउल में और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ. और इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लो, ये ऐसे पोरेबल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ये देखो, ये ना ज्यादा थिक है और ना ज्यादा थिन है. अब हम इसे पाइपिंग बैग में भर देते हैं. थोड़ी ड्राई हो जाती है, क्या करना चाहिए? ये आजकल का जो वेदर था वो ड्राई वेदर था, इसीलिए आपकी क्रीम ड्राई हो जाती है. थोड़ा सा पानी स्प्रे करो और उसको स्पैटुला से मिक्स करो. विधि इज आस्किंग फीस ऑनलाइन क्लास बेसिक कोर्स. ऑनलाइन क्लास की बेसिक कोर्स की फी है अभी 1500 है ऑफर में. रिपीट द नंबर 8169174929. मैंने शेयर किए हैं पोस्ट में, आप पेज पे देखो, ये नंबर भी शेयर किया है मैंने. नंबर आपको लिखा मिलेगा, मैं कमेंट में भी ऐड कर देती हूँ नंबर. रितिका मैम, तुम्ही केक कॉम्पिटिशन ठेवा. येस, डेफिनेटली ठेवायचा विचार चालू आहे माझा. आता कुठल्या तरी एखाद्या चांगल्या ओकेजनच्या निमित्ताने आपण केक कॉम्पिटिशन ठेवूया नक्कीच. अभी मैं वॅनिला ग्लेज मैंने पाइपिंग बॅग में भरली आहे. अभी इसको हम इस तरह से ड्रिपिंग कर रहे. ओके, सो ये हम हलके हलके नीचे जा रहे. ओके, सी इस तरह से आपको ड्रिपिंग करना है ये.
दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ड्रिपिंग। ये है आर्टिफिशियल ड्रिपिंग, जब हम ऊपर से पोर करके स्पैटुला से जस्ट घुमा देते हैं, सो दैट इज अ नेचुरल ड्रिपिंग। और अभी हमने जो जानबूझ के यहाँ पे ड्रिपिंग किया है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ड्रिपिंग। रुचि, ये विजियन ग्लेज है? यस, विजियन या ओके, ये जो रोजेट के लिए है डिस्पोजल, वो हम यूज कर रहे हैं। ओके, दिख रहा है? ओके, नाउ मेरे पास इस तरह के सिमिलर चार नोजल है, बिकॉज मैंने चार कलर बनाए, तो मैं चार नोजल में चार पाइपिंग बैच ऐड कर रही हूँ। सेम N1 नोजल है मेरे पास। एट 1 6 9 1 7 4 9 2 9, ये मेरा दूसरा नंबर है जिसपे आप मुझे टेम्पररीली कनेक्ट करो, फिर मैं मेरा जब तक व्हाट्सएप चालू नहीं होता है। ओके शिवानी, इंस्टेड ऑफ वेनिला ग्लेस कैन बी यूज वाइट चॉकलेट गनाश? यस यू कैन यूज, अगर आपके पास गनाश रेडी है तो उसे भी यूज कर सकते हो। शुभांगी इज आस्किंग टीम साइज काय आहे? 6 इंच आहे, हा 6 इंचचा केक आहे आणि स्पॉन्जचा वेट होता ऑलमोस्ट 500 आसपास आहे। सो आपला 1 किलोचा केक रेडी होतो सगळं मिळून। चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही, त्याला जेव्हा तुम्हाला कन्सिस्टन्सी आणायची आहे तर तुम्ही कुठलं पण यूज करा, काही प्रॉब्लेम नाही, साधं पाणी वापरा किंवा मग शुगर सिरप वापरा। कविता 8 1 6 7 1 7 4 9 2 9 नंबर 8 1 6 9 1 7 4 9 2 9, हो पाच नंबर तुम्ही लिहून घेतला आहे। आता आपण प्रत्येक पाइपिंग बॅग मध्ये हा एक एक कलर भरतोय, हमें हर एक पाइपिंग बॅग में ये कलर भरने वाले है। ओके, सो दिस वॉज पर्पल कलर, देन ब्लू कलर है मेरे पास, मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इसकी बढ़ा रही हूँ। होली स्पेशल केक है इसीलिए हम इतने सारे कलर्स इसमें यूज कर रहे हैं। कुसुम, हाइटेड केक कटिंग एंड सर्विंग का कोई और ट्रिक होती है क्या? थोड़ी मेसी हो जाती है। हाँ, जितना ज्यादा हाइटेड केक है तो उसका एक पीस निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आपको बीच में उसको सेंटर में कट करो या फिर 2-3 पोर्शन करो और फिर पीस कट करो, तो ही आपको उसको प्रॉपर पीसेस मिलेंगे। व्हाइट ग्लेज बहुत सारे डेकोरेशन में यूज होती है, जैसे टाइगर प्रिंट में यूज होती है, मार्बल इफेक्ट में यूज होती है, बहुत सारे डिजाइनिंग पार्ट में यूज होती है ऊपर से। कविता,
तो व्हाइट बेसिकली वेनिला ग्लेज ही बहुत यूजफुल है, वो सब में यूज आता है, वेनिला ग्लेज हो या न्यूट्रल जेल हो, बहुत सारे डेकोरेशन में हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वेनिला ग्लेज नहीं है बट न्यूट्रल जेल होगा तो न्यूट्रल जेल में व्हाइट कलर यूज करके भी और डाल के भी आप यूज कर सकते हैं। प्रदीप सिंह, थैंक यू मैम। वेलकम प्रदीप जी। शिवानी मैम, हाफ के जी केक कट कीजिए, चार टीम यूज करायचा, जर तुम्हाला एक्झॅक्ट मापाचा हाफ के जीचा केक बनवायचा असेल तर 5 इंचाचा टिन यूज करा, जसा बाहेरच्या बेकरीमध्ये मिळतो। मनीषा, केक लुक्स नाइस, कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। थैंक यू। आपको ये केक देख के शायद यूनिकॉर्न केक की भी याद आ जाए, बिकॉज ये सारे केक के कलर जो है उसमें भी होते हैं, विच इज माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट केक, यूनिकॉर्न केक। तो इतना कलरफुल दिखता है, एकदम वाइब्रेंट दिखता है। जी विचारता है मैम, रोजेट डिजाइन साठी कोणता नोजल यूज करायचा? N1, मी नूरचा N1 नोजल यूज करते, जे एक मोठं स्टार सारखं असतं ते यूज करते मी। पिंकी सिंह, थैंक यू मैम। ओके। नाउ मैं अभी ये सारे जो नोजल्स मैंने भर के रेडी किया है उसे रोजेट्स करेंगे हम इसके ऊपर, कलरफुल रोजेट्स। रोजेट्स कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब एक प्लेट दे जरा। रोजेट्स का जो नोजल होता है आपको हमेशा इस तरह से स्ट्रेट पकड़ना है और उसको घुमाना है, जस्ट लाइक हम घर पे नॉर्मली चकली वगैरह बनाते हैं उसी तरह से, बट थोड़ा सा टैक्टफुली और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है ये। ओके। सो आपको ये पकड़ना है और एक बार इस तरह से घुमाना है, इस तरह से। ओके। और जैसे छोड़ देते हो तो हल्के हाथ से छोड़ दो इसको। अभी मैं केक पे करती हूँ। अभी मैं हर एक सेम नोजल यूज किया है तो सब सेम कलर का रोजेट बना रही हूँ। सेम रिपीट कर रही हूँ मैं। शिवानी सिंह, थैंक यू मैम फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेरीज एंड एक्सप्लेनिंग सो वेल। यू आर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आपको रोजेट्स के लिए इस तरह से ही नोजल होना चाहिए, बिकॉज अगर वो नहीं है तो फिर आपका ये प्रॉपर शेप नहीं आने वाला, जो रोजेट का शेप है वो आपका नहीं आएगा। ओके। सो इस तरह से हमारा ये कलरफुल होली स्पेशल केक रेडी हो गया है। अगर आपके पास कोई हैप्पी होली का टैग हो तो उसको बीच में लगा लो, या फिर डिफरेंट कलरफुल स्प्रिंकलर्स डालो। मैं अभी गोल्डन स्प्रिंकल्स यूज कर रही हूँ। थैंक यू।
ये देखिए, सो ये हमारा होली स्पेशल ठंडाई केक और एकदम वाइब्रेंट कलर्स के साथ रेडी हो गया है। सो होप यू ऑल लाइक दिस डेकोरेशन और केक। और कोई क्वेरीज है? कविता मैम कलर कॉम्बिनेशन को बहुत छान यूज करता। थैंक यू। वैशाली वेनिला एसेंस एंड क्लासिक एसेंस मध्ये काय फरक असतो? डिपेंड्स, प्रत्येक कंपनी एक एक नाव देतात। जनरली तर सगळे सिंथेटिकच असतात, पण तरी इसेन्स आणि एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये फरक असतो जनरली। आणि क्लासिक असं काही नाही आहे, क्लासिक म्हणजे जे पूर्वीपासून वॅनिला वापरायचे तसं क्लासिक असं नाव दिलं असेल मे बी। ज्या कंपनीने नाव दिले त्यांचं एक स्वतःचं प्रमोशनल वर्ड आहे तो, पण जनरली इसेन्स आणि एक्स्ट्रॅक्ट ऍक्च्युली म्हणून ते स्वस्त मिळतात इसेन्स, आणि एक्स्ट्रॅक्ट जरा महाग असतात। हा इसेन्स आणि एक्स्ट्रॅक्टचा फरक आहे। श्रुती प्लीज शो द नोजल। नोजल, यस, एक मिनिट। हा दीपिका नाइस केक। ये है नोजल नंबर, नोजल नंबर N1, N1 है ये। सरोज विच पर्पल कलर इज यूज? मैंने यूज किया है ये बेकर्स मिलेगा पर्पल कलर। राजश्री बा अमेजिंग डिजाइन्स मैम। थैंक यू। रुचिज ऑल्सो सेइंग ब्यूटीफुल कलर्स। थैंक्स एवरीवन। एवरीवन मनीषा मैम मैंगो फ्रूट केक कसं बनवायचं? शिकवते थोड्या नेक्स्ट लाइव मध्ये। मँगो इज कमिंग, मँगोचा सीजन येतोय, सो आपले नेक्स्ट लाइव सेशन मध्ये खूप सारे मँगोचे होतील सेशन्स, तर मी त्याच्या शिकवेन नक्कीच। ठीक आहे, शुभांगी सुंदर केक। थँक यू। दीपाली ऑसम मैम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। संचिता ब्यूटीफुल एंड लवली केक मैम। थैंक यू। दीपाली विल ट्राई इट। यस डेफिनेटली, ट्राई करो, होली आ रही है तो कलरफुल केक बनाओ।